सिंगल सिंगल लाइट के अलावा ये बहुत सुंदर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, डीसी प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको एक नया सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ, जो कि एक्सपेरिमेंट रहेगा आपकी जो डिस्को लाइट होती है, डीजे लाइट होती है, जो हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं किसी पार्टी में, चाहे फंक्शन में या हो आगे में आने वाली दिवाली में। तो मैंने इस वाली जो प्रोजेक्ट है इसमें किया हूँ, बैटरी वाला सिस्टम किया हूँ, जिससे कि आप लोग बिना किसी पावर सप्लाई से भी इसको ग्लो करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएँ दोस्तों, अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। तो आज इसके ऊपर मैं एक नया सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको चालू करता हूँ तो इसमें आरजीबी लाइट लगी हुई है एलईडी। तो क्या होगा, इसकी आरजीबी लाइट को निकाल के हम एक वाइट कलर की जो एलईडी आती है वो लगा दें, तो क्या किस तरह का इसका इफेक्ट आने वाला है। और उसके बाद हम देखेंगे, और ये देखेंगे दोस्तों आरजीबी वाला जो लाइट है, जो कि इसमें 3 से 4 कलर इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन होता रहता है। तो इस वाली लाइट को अगर इसमें इंसर्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो किस तरह से इसकी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। और एक सिंगल कलर की लाइट में, जैसे वाइट के, आप तो आरजीबी का इफेक्ट आपने देख चुके हैं, तो आप किस तरह से इसको वाइट कलर की एलईडी अगर लगा देंगे इसमें, तो किस तरह से इसकी इफेक्ट आता है, तो आज भी इस वीडियो में देखने वाला है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट आज इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो बहुत चले दोस्तों, फटाफट से इस वाले एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, सबसे पहले हमको ये वाली जो कैप होती है इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रू है, तो इसी से आप इसको निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर में इस तरह से कंस्ट्रक्शन है। और आप देखेंगे दोस्तों, जो चीज़ बॉडी में नट लगी हुई है उसको आप मत निकालिए, ये मोटर को लगा हुआ है। और जो ये पैनल है एलईडी, जो इसमें एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, उसी को ही आपको निकालना होगा इसमें। और निकालने से पहले यहाँ पे डिसोल्डिंग करके ये वाला जो वायर है इसको निकालना होगा, क्योंकि ये प्लेट पूरी यहाँ से यहाँ तक पर निकलेगा, तभी जाके ये प्लेट निकलेगा, इसलिए ये दो वायर को डिसोल्डिंग करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वायर डिसोल्डिंग हो चुकी है, तो फटाफट से स्क्रू को निकालते हैं और ये वाली पैनल को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये पैनल आपका निकल चुका है, और इसमें पहले से ये वाला एलईडी लगा हुआ था, तो मैंने ख़राब हो गया था, तो मैं इसको इस टाइप की एलईडी जो मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल रही है, तो वही इसको लगाया हूँ। तो इसकी लाइट बहुत कम है, इसके अलावा इसके जगह पे ये लाइट बहुत पावर इसकी बहुत कम है। तो इसमें प्लस माइनस का सीरीज वाला कनेक्शन है, और एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस, उसका प्लस के साथ तीसरा का माइनस, इस तरह से कनेक्शन हुआ है, और लास्ट में आपको माइनस या प्लस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो लाइट है इसको बारीक निकाल देंगे, निकालने के इसको यहाँ पर लगाएंगे। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो एलईडी है ये आपकी ओरिजिनल एलईडी नहीं है, लोकल मार्केट में जो मिलती है वही एलईडी है, और इसकी भी पावर भी थोड़ी बहुत कम है। तो ये आपकी लोकल मार्केट में जिस तरह से एलईडी मिलेगा आपको उस तरह से एलईडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल वाला एलईडी ओरिजिनल होता है, और जो लोकल में मिलता है वो इतना खास लाइट इसका नहीं है आउटपुट। उसके बाद इसकी जो आरजीबी लाइट है सबको निकालना पड़ेगा, और इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेट में सारा एलईडी निकल चुका है, तो आप देख पाएँ दोस्तों कितनी सारा पेस्ट के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। तो इसको क्या करना होगा, तो किरोसिन से इसको साफ़ करना होगा। तो किरोसिन से साफ़ करेंगे तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो आपके पास किरोसिन या पेट्रोल है तो आप उसी से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, पीसीबी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो आपके सामने जो है, तो इसको और थोड़ी से कपड़ों से साफ कर लेते हैं, तो इसकी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे देख पाए दोस्तों, यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा था। पहले जो दिखाई दे रहा था उसमें आपको कुछ भी ऐसे मेंशन दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये प्लस है, ये इसकी माइनस है, फिर ये आके गया है प्लस को, फिर से आया इसका माइनस है, माइनस गया है फिर इसके प्लस को, प्लस में यहाँ पे आके माइनस हुआ। तो ये है कि सीरीज वाला कनेक्शन है, तो यहाँ पे लगेगा इस वाले जो टिन पॉइंट है वहाँ पे लगेगा हमारा ये छोटी छोटी लाइट 1 वाट की, जो इसकी भी प्लस माइनस आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कट है, ये पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पे 2-3 कट है देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से, तो ये आपकी नेगेटिव साइड है। तो इस तरह से इसको कनेक्शन करना है, तो चलिए दोस्तों इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली एलईडी यहाँ पे कनेक्शन हो रही है, और इधर से इसकी नेगेटिव है, इधर साइड इसकी पॉजिटिव है, ठीक उसी तरह से बाकी एलईडी का भी दो कनेक्शन कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे लास्ट एलईडी का कनेक्शन होने वाला है, तो ये कनेक्शन होते ही
हमारा एलईडी कनेक्शन यहाँ पे पूरी तरह से हो चुकी है। अब जो दोस्तों इसमें प्लस माइनस का कनेक्शन करना है, जो हमारी जो डिस्को लाइट की जो कनेक्शन वायर है प्लस एंड माइनस ब्लैक कलर की एंड रेड कलर की, उसको यहाँ से फिट कर देंगे। तो ये कैसे फिट होगा, इसको इस वाली पैनल को लगाने के बाद ही फिट होगा। तो इसको लगा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे माइनस का कनेक्शन भी हो चुका है, तो अब चलते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग करेंगे, पावर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी वाइट कलर एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी बैटरी के पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बैटरी वाला है तो इसमें लाइट थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरह से आपकी इफेक्ट आता है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको चेक करेंगे, अंधेरा करके चेक करेंगे कि किस तरह से इसकी लाइट की इफेक्ट आती है वाइट कलर की एलईडी में। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हाइट कलर की एलईडी में किस तरह से आपको दिखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने को मिल रहा है। अगर आपको व्हाइट कलर की पसंद है तो आप भी व्हाइट कलर की एलईडी इसमें लगा सकते हैं और आपको इस तरह से नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रेड ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था, तो अभी आपको व्हाइट कलर की एलईडी कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है। तो ये कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम क्या करते हैं, जो इस वाली जो एलईडी अभी लगाई हुई है वाइट कलर की एलईडी, तो इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं मल्टीपल आरजीबी लाइट के साथ, जो कि एक एलईडी में आपको तीन चार कलर आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों उसको चेंज करके देखते हैं कि उसमें से किस तरह इसकी आउटपुट आपको देखने को मिल रही है। तो ये रही आपके सामने वाइट कलर की इफेक्ट, और चलिए दोस्तों इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखा कि इस वाली व्हाइट कलर की एलईडी में लगाते ही आपकी जो डीजे लाइट है वो किस तरह से लाइट की इफेक्ट दे रही है, तो सब कुछ आपको व्हाइट व्हाइट दिखने को मिल रही है, वो भी एक प्रकार का अच्छी दिख रही है। अगर आपको किसी किसी को सिंगल कलर पसंद है तो उस तरह से का सिस्टम भी आप कर सकते हैं सिंगल कलर में। तो हम चलते हैं दोस्तों जो मल्टी कलर वाला जो एलईडी आती है उसको हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं, तो उसको फिट करके देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट है किस तरह से आती है। क्योंकि हम तो सिंगल सिंगल एलईडी देख चुके हैं कि रेड एक साइड जलता है, ब्लू अपने जगह पे घूमता है और रेड अपना जगह पे घूमता है। तो अगर इसको हम आरजीबी इफेक्ट वाला दे देंगे तो अपने आप जो चेंज होते हुए तो दिखाई देगा, तो वो किस टाइप का आता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से तो चेंज करते हैं और उसको जाकर हम चेक करते हैं किस तरह से इसकी आउटपुट है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। वही है, प्लस माइनस आपको देख के लगाना होगा सीरीज में। अगर आप 5 वोल्ट में भी चलाते हैं तो आपको प्लस माइनस का पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है, आप देख पाए दोस्तों मैंने किस तरह से कनेक्शन किया हूँ, और इस वाली जो लाइट जैसे लगी हुई थी और इसको मैंने कैसे लगाया हूँ आप खुद देख पा रहे होंगे। आप भी अपने सिस्टम में इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसमें प्लस माइनस का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस कनेक्शन होगा। सो गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसके आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हूँ प्लस माइनस का। तो ये कैप लगाते हैं और अभी चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं किस तरह से इसकी लाइट की आउटपुट है। तो फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो यही दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इसमें करने वाले थे। तो वाइट कलर में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से इसकी लाइट की आउटपुट आ रही है। अब जस्ट इसमें मल्टीपल आरजीबी का जो इफेक्ट है वो देख लेते हैं, किसमें बहुत अच्छा लगता है वो आप लोग देखिएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा। और उसके चलिए दोस्तों फटाफट से इसको चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो यहीं पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा, उसके बाद इसकी जो इफेक्ट है किस तरह से वॉल में आती है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करते ही दोस्तों देखिए ये किस तरह से इसकी लाइट आती है। तो ये अपने ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी थोड़ा सा आईएसओ कम करता हूँ, थोड़ा आपको देख पाएंगे तो, और थोड़ा कम करता हूँ, कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल रही है। तो ये वॉल में किस तरह से आ रहा है, तो चलिए दोस्तों इसको भी चेक कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने अंधेरा कर चुका हूँ, तो अंधेरा करने के बाद अभी इसमें लाइट देंगे। तो लाइट को ऑन करने के बाद देखते हैं इसकी इफेक्ट किस तरह से आती है, क्या वही व्हाइट कलर की तरह वही थोड़ी सी सूखी सूखी आती है या कुछ अलग से इसकी इफेक्ट आती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्विच को ऑन किया। ओ भाई साहब, ये तो जो सिंगल सिंगल लाइट के अलावा ये बहुत सुंदर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, दोस्तों रेड को देखिए दोस्तों कितनी थोड़ा सा थप स्पॉट आ रहा है, ये लेजर लाइट जैसा जैसे इफेक्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से इसकी इफेक्ट आ रही है। तो ये जो मल्टीपल जो लाइट है आप इसको लगा सकते हैं, डेफिनेटली ये बहुत सुंदर दिखने वाला है।
आप भी अपने घर पर कही है तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सुंदर दिखने वाला है। जो सिंगल सिंगल आपकी RGB जो लाइट लगी हुई है उससे तो ये बहुत बेटर है, फार बेटर है। आपको कैमरा में किस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है, इफेक्ट देखने को मिल रही है, लेकिन आप सच में अगर इसको अपनी आँखों पर देखेंगे तो आपको कुछ अलग से नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रीन को देखिए और रेड को देखिए और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखिए और किस तरह से मस्त लग रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको भी अपने घर पे कीजिए। तो ये एक छोटी सी दो एक्सपेरिमेंट था, तो आपको कौन सा अच्छा लगा मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो मेरे को तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा, ये जो मैंने किया जो मल्टीपल लाइट आती है उसको मैंने चेंज किया तो मेरे को ये इफेक्ट देखने को मिला, नहीं तो ये कभी मेरे को देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे बहुत अच्छा है और सुंदर भी दिख रहा है और डेफिनेटली ये वो आपको भी पसंद आएगा। कि आई होप कि दोस्तों ये दो एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डेफिनेटली इस दोनों में से किसी एक आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों इस तरह से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ एक नए से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।